आपसे क्योंकि लाइव के दूसरे विंडो में भी देख रहे हैं, एक विंडो प्रवीण हैंडल कर रहा है, आप देखते होंगे, और दूसरा मैं शुरू किया हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है कि फोन जो है हम लोगों का स्विच ऑफ हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि शिफ्ट कर करके इसको वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएं और दिखाएं। और हमारे रांची एक्सप्रेस के जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं आशीष भाई भी पहुंचे हुए हैं, उसके साथ साथ जो हरी भाई भी पहुंचे हुए हैं, मतलब पत्रकार की पूरी टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। और अब जो है ये मुजाहिद नगर का अंदर का एरिया है जिसमें एक फ्लैग, हाँ मुजाहिद नगर, एक फ्लैग मार्च चलाया जा रहा है ज्वाइंट ऑपरेशंस जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन की तरफ से, जो हमने आपको बताया था कि पिछले 3 महीने से नोटिस सर्व किया जा रहा था, अंडरपास यहाँ पे बनना है, जिसको लेकर के आज जो है ये पूरा मामला जो है वही है कि इतना जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा जो है आप देख रहे हैं कि अपने घर के जो जरूरी सामानात है उनको निकाला जा रहा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये सुबह से कल भी बताया गया था, कल भी माइकिंग की गई थी, उसके बाद जो है जरूरी सामान जो है लोग निकाल रहे हैं अपने अपने घर से। अगर मैं इस घर को दिखाऊं आपको तो देखिए कि ये घर भी जो है ऑलरेडी पूरा खाली है, कोई सामान नहीं है, तो 70% लोग जो है अपने अपने घर के सामान हटा चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे 70% जो है घर ऑलरेडी जो है खाली हो चुका है। इधर जैसे दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि जैसे कि ये घर था तो इस घर का जो है लगभग सामान खाली है और जो है दरवाजा को निकाला जा रहा है। ये सीकेपी लाइव में जी जी चल रहा है सीकेपी लाइव में। तो ऐसे लोग जो है अपने अपने घर को खाली कर चुके हैं 70%, जैसा कि हमने सुबह देखा था कि 70% जो है घर खाली हो चुका है। और अब जो है रेलवे यहाँ तक का जो जगह है ये रेल का जगह है और इधर से जो है वो रजिस्टर्ड जमीन है, तो इसके बाद से मैं आपको इस एरिया में दिखा रहा हूँ। इस एरिया जो हमारे राइट साइड में वो रेल का एरिया है जिसको क्लियर करने की बात कही जा रही है। और अभी जो है एक फ्लैग मार्च चला जा रहा, काल हो जाएगा आदमी जो आपके बोल मत बोलवा। देखिए अब भाई लोग के द्वारा जो है पानी भी पिलाया जा रहा है क्योंकि बोल बोल के जो है ना दे दीजिए उसको वापस बच्चे को पानी। तो ये रेल प्रशासन के द्वारा जो है अब देखिए कि ये इस एरिया में इधर जितने घर थे वो लगभग यहाँ के भी लोग अपना खाली कर चुके हैं। जो पहले जो घर था वो घर सब भी हटाया गया है, ऊपर का जो एस्बेस्टस था वो भी क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं और एक चीज मैं इसमें आपको मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ जो लोग रह रहे थे करीब 100 साल से भी मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे रह रहे थे। ये भी चीज है कि 100 साल के आसपास से लोग यहाँ पे रह रहे थे। ये देखिए इस तरह से जो है, ये इस तरह से जो है यहाँ पे घर सब है। और आप सीकेपी लाइव के दूसरे विंडो में भी देख पाएंगे कि उसमें भी हमारे जो प्रवीण साहब हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। आप लोगों का जो कमेंट्स है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जिसके लिए माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि इतना धूप है कि मैं डिस्प्ले में देख नहीं पा रहा हूँ, डिस्प्ले जो है काफी ब्लैक दिख रहा है। तो कमेंट्स जो है मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा, अभी मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। तो अब जो है एक पूरा चक्कर लगाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे इस एरिया का, देखिए उस रोड से एक चक्कर पूरा लगा करके अब जो है फाइनली उसी जगह पे हम लोग आ गए हैं जहाँ पे फाटक बंद हुआ था, कि उस जगह पे हम लोग वापस से आ चुके हैं। और अब जो है आगे चले जाएंगे। भाई है
वजह से जाने दीजिए। लाइन के किनारे की ये जमीन है चक्रधरपुर के मुजाहिद नगर फकीर मोहल्ला मुजाहिद नगर भी इसे कहा जाता है। और जो अतिक्रमित भूमि है रेलवे की उसे खाली कराया जाएगा। ये आप देख सकते हैं तमाम जो फोर्स है आरपीएफ के और जिला पुलिस के अधिकारी भी हैं और तमाम फोर्स के साथ जो है इस अतिक्रमित भूमि को खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आपको पूरा मामला बता रखा, पूरा मामला से हमने आपको अवगत कराया। आप सुन रहे हैं और सीकेपी लाइव में भी अपडेट्स जो है आप देख रहे हैं कि आज का जो यहाँ पे एक ज्वाइंट जो ऑपरेशंस चलाया जा रहा है इस पूरे एरिया को क्लियर कराया जाएगा। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे जो है रेलवे अंडरपास आगे से बनने वाला है, यहाँ से कुछ आगे जो है रेलवे अंडरपास बनेगा और उस जगह पे रेलवे अंडरपास बनने से क्या है कि ये जो आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं इस ओवर ब्रिज को बनने के बाद लोगों की डिमांड्स थी कि यहाँ पे जो है अंडरपास को बनाया जाए, जिसको लेकर के आज अंडरपास का जो है काम तो लग चुका है लेकिन इस एरिया में क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण इस साइड में काम नहीं लगाया गया था, जिसके कारण ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा, अतिक्रमण जमीन को हटाया जा रहा, घरों को हटाया जा रहा। पिछले 3 महीने से नोटिस जो है रेगुलर सर्व किया जा रहा है और लोगों का भी माइंड मेकअप है जो आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई विरोध भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस जगह पे जो है अब अंडरपास निकाला जाएगा इस जगह से, जिसको लेकर के रेलवे की जो जमीन है उसको क्लियर कराया जा रहा है और रेलवे प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि ओसी सर यहाँ पे मौजूद हैं, रेलवे आरपीएफ के जो हेड हैं और चक्रधरपुर थाना के प्रभारी चंद्रशेखर सर भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफी देर से करीब 1 घंटे से सर्वे किया जा रहा है अलग अलग एरिया का। सामने जेसीबी रेडी है और बताया जा रहा था कि 12 बजे से शुरू किया जाएगा लेकिन 12 से पार हो चुका है वक्त और किसी भी वक्त में ये जो है पूरा ऑपरेशंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और लगभग 70% लोग तो अपना ऑलरेडी हटा चुके हैं। कह दिया।